हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरा द एजुकेटर। फर्स्ट वीडियो में हम जो है नाइन्थ क्लास इंग्लिश का यूनिट वन में ए रीडिंग करे थे, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी रीडिंग करेंगे, द डक एंड द कैंगरो। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी, और इसके बाद की सी लिटिल बॉबी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपके पास रीडर है तो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग होने वाली है, रीडर नहीं भी है तब भी आप अगर एक्सप्लेनेशन कॉन्सेंट्रेशन से समझेंगे तो आपको काफी यहाँ पे जो है एंजॉयमेंट मिलेगा ये स्टोरी से। ठीक है, ये लेसन से द डक एंड द कैंगरो की स्टोरी, नेक्स्ट थर्ड वन लिटिल बॉबी। आज हम इस वीडियो में दो भी कंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पे टेक आउट योर नाइन्थ क्लास इंग्लिश रीडर पेज नंबर 16। ओके, बी रीडिंग द डक एंड द कैंगरो। यहाँ पे देखिए इन दोनों की जो है आपस में दोस्ती बता रहा है, फ्रेंडशिप बता रहा है डक और कैंगरो की। ठीक है, सेट द डक टू द कैंगरो, डक बोल रही है कैंगरो को, गॉड ग्रेशियस, गॉड बहुत जबरदस्त है, हो हाउ यू होप ओवर द फील्ड एंड द वॉटर टू एज इफ यू नेवर विल स्टॉप। डक बोल रही कैंगरो को कि तुम्हारी जिंदगी देखो कितनी खूबसूरत है, तुम फील्ड में हर जगह घूम सकते। माई लाइफ इज अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, मेरी लाइफ देखो कैसी है, सिर्फ एक पानी की हद तक ही मेरी लाइफ है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया को फिर सकूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है हर जगह घूमो फिरूं, फील्ड में लैंड में हर जगह जैसा तुम कैंगरो फिर रहे हो। सेड द डक टू द कैंगरो, डक जो है कैंगरो को बोली, Please give me a ride on your back. Duck क्या बोली कैंगरो को कि मेरे को जो है सवारी दो तुम्हारे ऊपर। Said the duck to the kangaroo, I will sit quite still and say nothing to quiet. मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाती हूँ। Duck बोली कैंगरो को, मैं तुम्हारे पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे को long ride दियो। The whole of the long day through, and we had go to the D and Jelly Boli. ये place का नाम है दो, ठीक है? D and Jelly Boli. Over the land and over the sea, हम पूरी over अतराफ में land के और पानी में समुद्र के फिरेंगे तुम्हारे ऊपर। Please take me a ride, Odo. मेरे को जो है ride दो, मेरे को वहाँ पे चलाओ, मेरे को ऊपर लेके जाके। Said duck to the kangaroo. Said kangaroo to the duck. अब kangaroo बोला duck को, क्या होता देखिए? This requires some little reflection. उसके लिए मेरे को कोई चीज चाहिए, reflection चाहिए तुम्हारा। Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seem but one objection, मेरे को एक objection है तुम्हारे से ऊपर बिठाने से, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. मैं तुम्हारे को अगर अपने ऊपर बिठाऊंगा तो तुम्हारे जो feet है, तुम्हारे जो पाँव है, बहुत ज़्यादा कच्चे है और बहुत ज़्यादा ठंडे है। And will probably give me the roo, Matthew said the kangaroo. Next said the duck, duck बोल रही है, As I sit on the rocks, मैं पहाड़ों पे रहती हूँ, I have thought over the completely, and I bought four pair of worsted socks, worsted socks मतलब wooden socks, which fit my web feet neatly. कैंगरो अब बोला ना, तुम्हारे पाँव जो है बहुत कच्चे हैं, वेट रहते हैं और बहुत ज्यादा ठंडे हैं, इसलिए मैं अपने ऊपर बिठाऊंगा तो कैसा होगा बोले तो। डक उसके लिए क्या करी, कैंगरो के लिए वुडन सॉक्स तैयार करी, अपने आप को पहन ली वुडन सॉक्स, ताकि वो जो है उसके ऊपर बिठा के राइड दे सके। And to keep out the cold, I have bought a clock and every day a cigar I smoke. My daily जो है cigarette भी पीऊंगी तुम्हारे लिए. All to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the kangaroo. अब kangaroo बोला उसको duck को. I am ready all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady. मेरे को balance होने के लिए तुम जो है अच्छी तरीके से बैठो. And quite at the end of my tail, so away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world three times around, and was so happy. और तीन बार जो है kangaroo ride दिया duck को, as the duck and the kangaroo, written by Edward Lear. Okay, काफी interesting poem थी देखिए duck and the kangaroo की। यहाँ पे हम meanings पढ़ लेंगे। Long बोले तो wish very much, hop बोले तो move by jumping, ride मतलब a short journey को बोलते हैं, दी एंड जल्दी बोली बोले तो wonderful places है, imagine by the poet, reflection का मतलब careful thought है, bold का मतलब frank है, worsted socks मतलब woolen socks, rheumatics का मतलब a disease that make the muscles and joints painful, web feet मतलब feet that have toys connected by a membrane, clock मतलब a coat that protects from cold. okay, अब यहाँ पे देखिए आपको exams में पूछ सकता
इसका स्क्रिप्ट बनाओ, ये पोयम का द डर्क एंड द कैंगरू का स्क्रिप्ट लिखिए। हाउ डू वी बिगिन द पोयम, सिंग द पोयम 3 or 4 टाइम टू रजिस्टर द ट्यून एंड रिदम। व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन द पोयम, द डक एंड द कैंगरू आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पोयम। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, विश ऑफ द डक टू गो अराउंड द वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ ईच स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा विश ऑफ द डक टू होप एंड गो अराउंड द वर्ल्ड, सेकंड स्टैंजा ऑफ द थीम रिक्वेस्टिंग द कैंगरू टू टेक हर फॉर अ राइड, थर्ड थीम conditional acceptance of the kangaroo, fourth theme assurance of comfort from the duck side, fifth fulfillment of desire. What are the actions involved in this poem? Boredom with present life, desire to go around the world, wearing socks and smoking cigarettes, joy, displeasure due to wet and cold feet, gesture, sitting on kangaroo at the end of the tail, miming, joy, facial expression and gesture. Who are the characters involved in this poem? The duck and the kangaroo and the other creatures in the pond like frogs, fish, etc. Where does the incident take place? Location, by the side of the pond. Presentation of the choreograph on the stage. The chorus team sings the poem. The character perform their actions. The actions of the duck and the kangaroo expressing boredom, wish, discomfort, joy, etc. The actions related to miming, facial expression and gesture. Actions related to hopping, sitting, walking, jumping, etc. नेक्स्ट के पेज नंबर 20 पे आ जाइए, सी लिटिल बॉबी। ओके, नेक्स्ट आपको बता देंगे लिटिल बॉबी। बी वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया, डक एंड द कैंगरो, डक एंड द कैंगरो। सी वाला लिटिल बॉबी, ठीक है। पेज नंबर 20 सी रीडिंग, फर्स्ट यूनिट का सी रीडिंग लिटिल बॉबी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। लिटिल बॉबी केम इनटू द किचन, ये लिटिल बॉबी छोटा बच्चा है, उसके बारे में ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए अच्छी तरीके से। लिटिल बॉबी केम इनटू द किचन वेयर हिज मदर वाज मेकिंग डिनर। एक लिटिल बॉबी बोल के बच्चा है, वो जो है किचन में आया है जब उनके मम्मी जो है डिनर बना रहे थे। हिज बर्थडे वाज कमिंग अप एंड ही थॉट दिस वाज अ गुड टाइम टू टेल हिज मदर व्हाट ही वांटेड। लिटिल बॉबी की बर्थडे आ रही थी और लिटिल बॉबी बोल रहा था कि ये बेस्ट टाइम है मेरी मम्मी को बोलना कि मेरे को बर्थडे पे क्या होना है, मैं मम्मी से मांग सकता हूँ। मॉम आई वांट अ बाइक फॉर माय बर्थडे, मम्मी को क्या बोला डिनर में किचन में जाके, मम्मी मेरी बर्थडे में मेरे को बाइक चाहिए। लिटिल बॉबी वॉज अ बिट ऑफ ट्रबल मेकर, लिटिल बॉबी जो है जरा सतालू बच्चा है, मतलब सताते रहता था हमेशा घर में। He had gotten into trouble at school and at home. हमेशा जो है trouble create करता था, परेशानियां create करता था school में भी और घर में भी। Bobby mother asked him if he thought he deserved to get a bike for his birthday. Bobby mother उनके मम्मी क्या सोचे थे? क्या इन्हें deserve करता क्या इसकी birthday पे bike बोलके मम्मी सोच रहे थे इसके। Little Bobby of course thought he did. Little Bobby क्या समझे कि उनके mother जो है birthday के दिन कैसा भी जो है उसकी bike जरूर लेंगे gift। Bobby mother wanted Bobby. Bobby's mother wanted Bobby to reflect on his behavior over the last year and said, Bobby mother क्या बोले? तुम्हारा एक साल का जो पुराना behavior है जरा उसको पहचानो, reflect करो। And said, go to your room. मम्मी बोले Bobby को, जाओ तुम अपने room में जाओ Bobby. And think about how you have behaved this year. और जाके सोचो तुम ये साल कैसा behave करे मेरे साथ school में घर में। Then write a letter to the God. फिर उसके बाद जो भी तुम ये साल behave करे letter लिखो God को। Tell him why you deserve a bike for your birthday, ठीक है? और अपने आप में जाके गॉड को लेटर लिखो रूम में जाके कि क्यों तुम जो है बाइक डिजर्व कर सकते, क्या ये साल में तुम्हारा बिहेवियर कैसा था क्या था, जाके गॉड को लेटर लिखो। कौन बोले? मम्मी बोले बॉबी को, तो बॉबी रूम के अंदर जाके ये लिख रहे, ठीक है। लिटिल बॉबी स्टम्प्ड द स्टेप्स टू हिज रूम, लिटिल बॉबी जो है जाने लगा रूम में। जेसी हिज पेट डॉग फॉलोड हिम, जेसी जो है पेट डॉग का नाम है, आप पिक्चर में देख सकते हैं बॉबी के बाजू, बॉबी लेटर लिख रहा है और उसका जेसी जो है इसके बाजू पे, पेट डॉग को बोलते हैं। जेसी हिज पेट डॉग फॉलोड हिम, बॉबी थॉट फॉर सम टाइम एंड सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड। और बॉबी क्या करे रूम में जाके जो है गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिए। गॉड जेसी सेट बिसाइड हिम एंड स्टार्टेड वॉचिंग व्हाट बॉबी वॉज डूइंग। और जो पेट डॉग है जेसी, वो जो है बॉबी को अच्छी तरीके से देख रहा है कि बॉबी अब क्या कर रहे हैं। अब बॉबी रूम में जाके लेटर वन लिख रहे, देखिए क्या लिखे गॉड को, देखिए। डियर गॉड आई हैव बीन ए वेरी गुड बॉय दिस ईयर, अपने आप में बोल ले रहे लेटर में कि मैं ये साल बहुत ही अच्छा बॉय था दिस ईयर।
एंड आई वुड लाइक ए बाइक फॉर माय बर्थडे, आई वांट अ रेड वन, योर फ्रेंड बॉबी। और मेरे को देखिए अल्लाह गॉड से जो है कैसा मांग रहे हैं कि मेरे को जो है लाल कलर की बाइक होना, मैं बहुत अच्छा था ये साल, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था। बॉबी न्यू दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, बॉबी को मालूम था ये लेटर में जो भी इन्होंने लिखे वो बिल्कुल सही नहीं था, गलत था, ट्रू नहीं था। ही हैड नॉट बीन ए वेरी गुड बॉय दिस ईयर, सो ही टोर अप द लेटर, उसका तोड़ दिया उन्होंने, उसको ब्रेक कर दिए, लेटर को जो है फाड़ दिए, and started again to write another letter, ठीक है? जब उनको खुद को मालूम है कि जो है मैं ये साल अच्छा नहीं हूँ और मेरे को रेड कलर की बाइक भी चाहिए क्योंकि मैं अच्छा ही नहीं हूँ, तो वो लेटर उन्होंने फाड़ दिया। दूसरा लेटर क्या लिखे देखिए, डियर गॉड दिस इज योर फ्रेंड बॉबी, आई हैव बीन ए गुड बॉय दिस ईयर एंड आई वुड लाइक टू एंड आई वुड लाइक अ रेड बाइक फॉर माई बर्थडे, थैंक यू योर फ्रेंड बॉबी। देखिए दूसरे लेटर में भी वही लिख रहे, मैं बहुत अच्छा बॉय हूँ दिस साल, बहुत अच्छा रहा हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था, मेरे को चाहिए रेड कलर की बैग चाहिए, ओके गॉड को लिखे दूसरा लेटर। बॉबी न्यू दैट दिस वॉज नॉट ट्रू एदर, सो ही टोर अप द लेटर एंड स्टार्टेड अगेन। दूसरा लेटर में भी जो भी लिखे उन्होंने वो भी उन्होंने जो है फाड़ दिए। फिर तीसरा लेटर लिखे गॉड को, क्या लिखे देखिए, डियर गॉड आई हैव बीन ओके बॉय दिस ईयर, ठीक ठाक हूँ मैं अभी ये साल, आई स्टिल वुड रियली लाइक ए बाइक फॉर माई बर्थडे। बॉबी देखिए कितना क्रेजी है बाइक के लिए, मम्मी क्या बोले, जाओ ये साल तुम्हारा बिहेवियर कैसा था, तुम डिजर्व कर सकते नहीं कर सकते, बाइक को जाके कमरे में जाके रूम में जाके जो है लेटर लिखो, गॉड से पूछो। तो तीसरा लेटर उन्होंने गॉड को लिख रहे अंदर बैठ के पेपर में अपने रूम में, क्या लिख रहे, आई हैव बीन ओके बॉय दिस ईयर, मैं ठीक ठाक हूँ, आई स्टिल विल रियली लाइक ए बाइक फॉर माई बर्थडे बॉबी, फिर भी मेरे को बाइक चाहिए। बॉबी न्यू ही कुड नॉट सेंड दिस लेटर टू द गॉड एदर, सो बॉबी रोट हिज फोर्थ लेटर, थर्ड लेटर को भी छोड़ दिए उन्होंने, फिर चौथा लेटर लिखे, थर्ड लेटर भी गॉड का नहीं पहुंच सकता ये बात बोल के फोर्थ लेटर लिखे, क्या लिखे देखिए, गॉड आई नो आई हैव नॉट बीन ए गुड बॉय दिस ईयर, मेरे को मालूम है मैं अच्छा बच्चा नहीं था ये साल, आई एम वेरी सॉरी। अब यहाँ पे देखिए अपने आप को जो है पछतावा हो रहा है कि हाँ अभी सही हूं मैं, अब सही लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी गॉड को बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, आई विल बी ए गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा रहूंगा अगले साल, अच्छा बच्चा रहूंगा, इफ यू जस्ट सेंड मी ए बाइक फॉर माई बर्थडे। देखिए कैसा फोर्स है, ये डिमांड है, गॉड से डिमांड कर रहा है लिटिल बॉबी, क्या कर रहा है देखिए गॉड से, आई नो आई हैव नॉट बीन ए गुड बॉय दिस ईयर, मेरे को मालूम है ये साल जो भी मैं अच्छा नहीं था, मैं अच्छा बच्चा नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आई विल बी ए गुड बॉय, मैं बनूंगा अच्छा बच्चा अगले साल अगर आप मेरे को जो है मेरी बर्थडे पे बाइक देंगे। देखिए डिमांड कहता है लिटिल बॉबी का, प्लीज प्लीज थैंक यू बॉबी, ये जो है लेटर फोर्थ लिखे है बॉबी अपने गॉड को। नेक्स्ट, बॉबी न्यू इवन इफ इट वॉज ट्रू दिस लेटर वॉज नॉट गोइंग टू गेट हिम ए बाइक, अगर ये लेटर सही भी होगा उनका तब भी उनको जो है उनकी बर्थडे पे बाइक नहीं मिलेगी बोल के उनको ये मालूम था। नाउ बॉबी वॉज वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा जो है परेशान थे बॉबी, ही वेंट डाउनस्टेयर्स, नीचे आ गए सीढ़ियों से एंड टोल्ड हिज मॉम, मॉम को बोले दैट ही वांटेड टू गो टू चर्च, क्या बोले मम्मी को, मम्मी ऊपर से रूम से आगे चार लेटर लिख दिए, बात लिख दिए आके नीचे मम्मी से बोले मम्मी मेरे को चर्च को जाना है, लिटिल बॉबी बोले मम्मी को। बॉबी मदर थॉट दैट हर प्लान हैड वर्क, मम्मी क्या समझे कि उसका मम्मी का प्लान जो है वर्क कर गया बॉबी के लिए, मम्मी क्या समझे थे, जाओ तुम रूम में जाओ, तुम डिजर्व करते नहीं करते, देख लो जरा अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के देख लो, क्या तुम बाइक को डिजर्व करते नहीं करते। तो बॉबी मदर थॉट दैट हर प्लान हैड वर्क्ड, बॉबी लुक्ड वेरी सैड, बॉबी जो है बहुत ज्यादा परेशान था, जस्ट बी होम इन टाइम फॉर डिनर, और मम्मी क्या बोले डिनर में तुम यहां से हो बॉबी। बॉबी मदर टोल्ड हिम, बॉबी वॉक डाउन द स्ट्रीट टू द चर्च ऑन द कॉर्नर, स्ट्रीट मतलब रोड की साइड जाके चर्च को चले गए कॉर्नर में। लिटिल बॉबी वेंटेड टू द चर्च एंड अप टू द एल्टर, ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज देयर, लिटिल बॉबी चर्च को चले गए और चारों तरफ देखे कि कोई है वहां पे या नहीं। ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज देयर, बॉबी बेंट डाउन और नीचे बैठ गए बॉबी एंड पिक्ड अप ए स्मॉल स्टैच्यू ऑफ मैरी द मदर ऑफ गॉड, और नीचे बैठ के क्या करे, स्मॉल प्लस का जो स्टैच्यू रहता है मदर ऑफ मैरी का वो ले लिए। He slipped the statue under his shirt, अंदर रख लिए शर्ट के अंदर and ran out of the church, चर्च के बाहर भाग गए, down the street, रोड पे into the house and up to his room, और रोड पे से होते हुए उनके कमरे में आके बैठ गए। He shut the door of his room, दरवाजा बंद कर लिए अपने घर का घर में आके and sat down with a piece of paper and pen, और ये मैरी का स्टैच्यू लेने के जो है रूम में आके एक पेपर और पेन के साथ बैठ गए। Bobby began to write his letter to God. फिर से पांचवा लेटर लिखे बॉबी गॉड को, क्या लिखे देखिए,
गॉड आई हैव किडनैप योर मॉम, देखिए कैसा बच्चा है, देखिए आई हैव किडनैप योर मॉम, इफ यू वॉन्ट टू सी हर अगेन सेंड द बाइक बॉबी, मैं जो है मदर को किडनैप कर लिया हूँ, अगर आप मेरे को बाइक देंगे मेरी बर्थडे पे तभी मैं जो है मम्मी को छोड़ूंगा, मेरी मदर को छोड़ूंगा। कितना देखिए बच्चा कहता है, रिटर्न बाय रिचा रॉय। ओके तो दिस इज द स्मॉल स्टोरी, सी वी हैव कंप्लीटेड। ट्रबल मेकर मतलब ए पर्सन ऑफन कॉज ट्रबल, डिजर्व का मतलब क्वालिफाइड टू हैव समथिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब थिंक, स्टम्प्ड का मतलब वॉक्ड इन ए नॉइसी वे इन एन अपसेट मोड। Okay, so unit 1 has been completed. Next class, unit 2, we will start games and sports. So how is the unit first? You can comment me on the YouTube video down. If you have any doubt, you can ask me here. Okay, आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।